नो दिस, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, यानी कि जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे मेरी अपनी नाक ही मुझे दिखाई पड़ती है। इट इज़ द फनीएस्ट थिंग्स, यानी कि यह बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। द वे टू ग्रो, यानी कि जैसे जैसे यह बड़ी हो रही है ठीक वैसे वैसे मैं भी बड़ी हो रही हूँ। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट्स सोज विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रेथ गो, यानी कि यह चिपका हुआ है हमारे मुंह के ऊपर और इसके अंदर दो छोटे छोटे छेद है जिससे इसके अंदर हवा जाती है और हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। इट आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर्स द एंड ऑफ माई चेन एंड इट स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर, यानी कि जब मैं आईने में देखती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि जहाँ पर मेरे कपार की शुरुआत होती है ठीक वहाँ पर क्या होते हैं, इसकी भी शुरुआत होती है और ये क्या होती है, और ये हेयर एंड स्टार्ट ऑन हेयर, और ये क्या है, यानी कि ये दाढ़ी से इसकी स्टार्ट होती है और जहाँ हमारा हेयर यानी कि बाल होता है ये वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। एंड बिटवीन देयर इज नॉट ए स्पेस, और इसके बीच में कोई भी स्पेस यानी कि स्थान नहीं है। टू स्पेयर विथ माई नोज, और मेरे नाक के अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी स्पेस जगह नहीं है। लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर, यानी कि यह एक हैंडल की तरह यहाँ पर चिपकी हुई है नाक मेरी। इफ इवर यू वॉन्ट टू जिगल एंड शाउट एंड, यानी कि अगर तुम क्या चाहो, अगर तुम खिसियाना चाहो और तुम चिल्लाना चाहो। एंड कैन नॉट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, यानी कि तुम क्या करो, तुम किसी चीज के बारे में सोचो, तुम किसी के चीज के ऊपर चिल्लाओ तो ये क्या देखा, ये नाक तुम्हें हमेशा ही दिखाई पड़ेगी। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट, तुम बस अपने आप को आईने में देखो और तुम्हारी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट, तुम ये देखोगे कि ये तुम्हारा नाक बहुत ही मजेदार रूप से क्या हुआ है, चिपका हुआ है। इसके लेखक है एलिन फिशर। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो है द लिटिल फिर ट्री।